टीम इंडिया इज टोटली पैक्ड अप विद दिस शेड्यूल। अब टीम इंडिया एकजुट होकर खेलने को तैयार है एशिया का, पर इसके लिए अब तक कोई जगह फाइनल नहीं हो पाई है। वैसे ये टूर्नामेंट सितंबर के महीने में पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाना है, पर बीसीसीआई पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं है। तो कहाँ होगा मैच बताएंगे आपको, लेकिन जनभावना टाइम्स को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे खबरों से आप रूबरू हो सके। एशिया कप 2023 सितंबर में खेला जाना है, पर अभी भी आयोजन को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो सका है। रिपोर्ट्स की माने तो 27 मई को बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग का आयोजन हुआ था। इस मीटिंग में भी एशिया कप 2023 को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। वैसे टूर्नामेंट सितंबर के महीने में पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाना है, पर एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने पहले ही साफ कर दिया है कि टीम इंडिया नहीं करेगी पाकिस्तान का दौरा। इस बीच खबर की माने तो यह टूर्नामेंट श्रीलंका में खेला जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई द्वारा पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को ठुकराने के बाद शायद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एशिया कप 2023 की मेजबानी कर सकता है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर हाइब्रिड मॉडल से यह टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा तो वो बहिष्कार भी कर सकते हैं। ऐसे में एशियन क्रिकेट काउंसिल इसमें जल्द कोई डिसीजन ले सकते हैं। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 के लिए हाइब्रिड मॉडल में दो ऑप्शन दिए हैं। हाइब्रिड मॉडल के पहले ऑप्शन में पाकिस्तान सभी खेलों की मेजबानी करे, जबकि भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि टूर्नामेंट को दो पार्ट्स में बांट दें, जिसमें पाकिस्तान पहले दौरे के खेलों की मेजबानी करे और इंडिया दूसरे चरण में अपने सभी खेल न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सके, साथ ही फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू में हो सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल डिसीजन क्या होगा और कब होगा। आपको कैसी लगे ये स्टोरी ये तो बताना ही है आपको कमेंट करके, और साथ में आप जनभावना टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैच से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आए तो आपको तुरंत घंटी बजे।